पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए भले ही कड़े नियम बना रहे हों, लेकिन सोनभद्र में पट्टा धारक और अवैध खननकर्ता खनिज विभाग व पुलिस की मदद से पत्थर और बालू का बदस्तूर अवैध खनन कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र अवैध खनन की शिकायत मिलने पर अवैध खननकर्ताओं पर FIR करने का निर्देश जिलाधिकारी ने खनिज विभाग को दिया है, लेकिन खनिज विभाग द्वारा अवैध खननकर्ता पर FIR दर्ज नहीं कराई गई। इस संबंध में जिला प्रशासन का कहना है कि नए पट्टे जारी करने के बाद खनन का अभी शुरुआती दौर ही है। अवैध खनन की शिकायत संज्ञान में आते ही जांच कराई गई और जांच में शिकायत सही मिलने पर FIR की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जितना खनन किया गया है उसकी रिकवरी के लिए जांच टीम गठित कर दी गई है। इतना ही नहीं, जिले में जितने भी पट्टे धारक हैं उनकी भी जांच के लिए टीम गठित की गई है। जिले में जहां भी अवैध खनन की शिकायत मिलती है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और सोनभद्र से हमारे संवाददाता रवि पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, एक तरफ योगी सरकार लगातार अतिक्रमण को लेकर और जमीनों पर कब्जा करने को लेकर, साथ ही साथ जो अवैध खनन होता है उसको लेकर भी कड़े कानून बना चुकी है और सख्त निर्देश भी दिए गए हैं प्रशासनिक अधिकारियों की कि अगर अवैध खनन होता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सोनभद्र में भी कई जगह अवैध खनन की कार्रवाई के मामले सामने आए थे, प्रशासनिक जिला प्रशासन की तरफ से उसमें क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सरकार को यहाँ बदलने के बाद सूबे में मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि कहीं भी अवैध खनन नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री के बहुत प्रयास के बाद भी सोनभद्र जिले में अवैध खनन, चाहे वो पत्थर का हो या बालू का हो, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अधिकारी कागजों पे तो कहते हैं कि नहीं हमने ये कार्रवाई किया, लेकिन मौखिक रूप से ये केवल बातें रह जाती हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। कागजों की खानापूर्ति सिर्फ होती है। जैसा कि आप ये देखिए कि जिला प्रशासन कह रहा है कि हमने पट्टे धारक पर कार्रवाई तो किया, लेकिन खनिज विभाग उस पर FIR नहीं करा रहा है। ये घटना की मैं यहाँ जिक्र करूंगा, 29 फरवरी 2019 में ये घटना हुई थी और उसमें तत्कालीन यहाँ के ठेकेदार खनिज अधिकारी थे, उसमें जो मृत मजदूर मरे थे उनके पदरों से पट्टे धारक की तरफ से समझौता करने की बात कर रहे थे। उसका एक वीडियो वायरल हुआ था, इसका मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था और उसको सस्पेंड किया था। तो ये खनिज विभाग की और जो स्थानीय पुलिस होती है इनकी मदद से पट्टे धारक होते हैं, ये अवैध रूप से खनन करते हैं, जिसको जिला प्रशासन रोक लगा पाने में पूरी तरीके से नाकाम है। जी रवि, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।